आपने इस आदमी का ठेला बर्बाद किया और उसका बहुत सारा नुकसान हुआ है, इसलिए इसकी सजा मिलेगी। संतोष शर्मा, गिरफ्तार करो इसे। करिश्मा सिंह, आपकी बहन कब तक आ रही है? बस एक आध घंटे में मैडम सर आ जाएगी। करिश्मा सिंह, मेक श्योर कि सबको पता चल जाए कि वो आपकी बहन है। जी, इनकी तो कोई बहन ही नहीं थी, ये बहन कब पैदा हुई? अभी एक दो घंटे में जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। इनकी बहन बिल्कुल इनकी तरह है, हूबहू हमशक्ल, और अब वही ये केस सॉल्व करेगी। और हाँ भैया, आप बता दीजिए आपका कितना नुकसान हुआ है, अंदर आकर रिपोर्ट लिखवाइए ताकि हम इसकी भरपाई करवा सकें। एक मिनट, आप ही हसीना मलिक है ना? जी। ओ, आप हैं। करिश्मा दीदी आपकी बहुत तरफदारी करती है, ये भी बताती है कि आप जज्बातों से बहुत चलती है, तो फिर ये रिपोर्ट काहे लिखवा रही है? ये भी जज्बात से सॉल्व कर दीजिए ना आप। देखो रवीना, हम जज्बाती हैं, बेवकूफ नहीं। अच्छे से जानते हैं कि किसे जज्बात की जरूरत है और किसे हवालात की। हमें पता चला है कि तुम अपनी बहन के नाम पर बहुत गुंडागर्दी करती हो। चलो थाने में, अंदर चल के हम तुम्हें फर्क समझाते हैं मान और अभिमान के बीच। ले जाओ इसे। और हाँ, करिश्मा सिंह को फोन करिए, कहिए हमें बात करनी है अर्जेंट। जी मैडम सर। चलो अंदर। चलिए। फास्ट चेंज करके आए मैडम। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आपने हमें तत्काल में बुलाया और हमारी बहन आई उसके बाद ऐसे बुलाया, समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ, आई भी और हमने उन्हें लॉकअप में भी बंद कर दिया। का? हमारी बहन लॉकअप में पहुंच गई? इसे कैसे मैडम सर, समझ में नहीं आ रहा है, का हो गया, का किया उसने? आप ही की बहन है करिश्मा सिंह, आई और आते से ही भौकाल मचा दिया। एक बेचारा वो पानीपुरी वाला, उसका ठेला यहाँ रखा हुआ था, गिरा दिया उसे, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो जिस भौकाल से वो आई थी, उसी भौकाल से हमने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। बेचारा, क्या कसूर था उस ठेले वाले का? उसका कसूर ये था कि उसका जीवन पानी नहीं, पानीपुरी था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गए, हम जाके बात करते हैं उनसे। ठीक है, हम भी निकलते हैं, हमें भी काम है। जी मैडम, हम भी निकलते हैं, संतोष जी का मोबाइल चार्ज करवाना है, बहुत भयंकर काम है हमको। ए बदनाम, एक चाय पिला फर्स्ट क्लास घटिया। बदनाम भाई, यार हमें एक बात समझ में नहीं आई, ये दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, हूबहू एक जैसी शक्ल है, रत्ती भर का फर्क नहीं इन दोनों में। और हमको भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, अबे इससे पहले कभी वो यहाँ दिखी नहीं, आई क्यों? राइट, एकदम करेक्ट बात, क्या करने आई होगी? ए दोनों बागड़ बिल्ली, क्या फालतू में तुम जेम्स बॉन्ड बन रहे हो? हैं? और मोरपंखी क्या रही? अरे वो करिश्मा मैडम ने उसको बुलाया है, वो हम शक्ल बहनों का केस सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं जैसे कि लोहा लोहे को काटता है, वैसे हम शक्ल बहन हम शक्ल बहन के केस को काट देगी। वैसे क्या बात कर, वो काटती भी है। निकल निकल, अबे जाहिल गवार, अरे पकड़ो आएगी वो, इसीलिए बुलवाया ना। अच्छा, हम तो डर गए थे। चाय पिला चल। कमाल का आइडिया है संतू, डीएसपी सर का इमोशनल वीडियो बनाकर मैडम सर को दिखाने का। मैडम सर को लगेगा डीएसपी सर उनके विरह में एकदम दीवाने हो गए हैं, उनके अंदर का प्यार जाग उठेगा, जज्बात तड़प उठेंगे, भड़क उठेंगे। वाह! पर पुष्पा जी, उनको मनाना आसान नहीं था, उनको समझाना पड़ा कि सोशल मीडिया भी जरूरी है ताकि लोगों को लगे कि वो भी उनकी तरह आम आदमी है, इजीली कनेक्ट हो पाए। और बिल्कुल वैसा ही वीडियो बना है जैसा हमें चाहिए था, जैसे मैडम सर ये वीडियो देखेंगे। भागी भागी डीएसपी सर के गले लगेंगे और कहेंगे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बिल्कुल हमारे और हमारे लल्ला के पप्पा की तरह। एक बात कहे संतु, चेहरे से जितने तुम भोंदू लगती हो उतनी तुम हो नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पुष्पी, लव यू। चलो चलो मैडम सर, ये देखिए जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि रवीना हमारा हमशक्ल बहन है। अब आगे बताइए, आगे क्या करना है? आगे वही जो होना चाहिए, अब जुर्म करेगी करिश्मा सिंह, लेकिन इल्जाम लगेगा रवीना पर, वो रवीना जो किसी को ढूंढने से नहीं मिलेगी। आइए मैडम जी, आइए, मैं लेकर आती हूं। ये लीजिए,
5 लाख कैश है और 20 लाख की ज्वेलरी है। देखिए मैम, हमने तो अपना वादा पूरा किया। तछूर, अभी आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। कल्लन का कबाब और करिश्मा सिंह का वादा, यही दो चीजें बची हैं इस दुनिया में जिस पे भरोसा किया जा सकता है। आप उसी पे डाउट कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए आप, ये आपकी बेटी का ज्वाइनिंग लेटर है। क्या बात कर रही हैं? गोमती नगर स्टेशन में तुम कल ज्वाइन कर सकती हो बिना किसी टेस्ट, बिना किसी इंटरव्यू के, डायरेक्ट नियुक्ति, समझी? मम्मा, ये तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर है। हम चलते हैं। जी मैडम, थैंक यू। शांति से बताइए क्या। मैडम, आपके थाने की जो ऑफिसर है ना, करिश्मा सिंह, उसने हमारे साथ में ठगी की है। हाँ मैडम, उसने धोखा दिया है हमें। पुलिस में नौकरी दिलाने के बहाने हमसे ना 25 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने। 25 लाख? मैडम, हम तो बर्बाद हो गए। करिश्मा सिंह ने सब कुछ लूट लिया। टचूर, इसमें क्या टचूर? नहीं चीते, वो इनका फ्लो फ्लो में निकल जाता है। नॉलेज फ्लो है। ये क्या कह रही हैं? और वो कह रही है कि फ्लो फ्लो में निकल जाता है। आप क्या कह रही हैं कि ऐसा है, करिश्मा सिंह ने आपको ठगा है? Are you sure? हाँ मैडम, हाँ। उन्होंने ना हमको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का एक फर्जी जॉइनिंग लेटर दिया। लेटर दिखाना, दिखाना लेटर। हाँ, ये देखिए मैडम। करिश्मा सिंह ने कहा कि गोमती नगर पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का ये जॉइनिंग लेटर है और कहा कि आपकी नौकरी ना पक्की हो गई। कल सुबह गोमती नगर थाने में जाके आप रिपोर्ट कर दो। और जब ये वहां गई तो, अरे बताना, जब मैं जॉइनिंग के लिए गोमती नगर पुलिस थाना पहुंची तो वहां जाकर पता चला ये लेटर तो नकली है। आप ना उस करिश्मा सिंह को पकड़ लो और हमारे 25 लाख रुपए हमें वापस दिलवा दीजिए मैडम। नहीं नहीं, ये गलत है। हमने पैसा नहीं लिया आपका, वो हमारी हमशक्ल बहन रवीना ने लिया है। हमशक्ल बहन? हाँ, हमशक्ल बहन, बिल्कुल हमारे जैसी दिखती है, पूरा शहर जानता है उसके बारे में। और वो ऐसा ही करती है, आप पहली नहीं है जिसको उसने ठगा है। हमारा कपड़ा पहन के, हमारा वर्दी पहन के ना सबको ठगती रहती है वो। अरे तो पकड़िए ना उसे और दिला दीजिए हमारे 25 लाख वापस। अब वो असंभव है। क्यों, क्यों असंभव है? क्योंकि उसने आज लालगंज नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। क्या? रवीना बेटा, माफी ना दीजिए, ये क्या कर दिया तुमने? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स पुष्पा जी, आराम से। ये आप क्या कह रही है? जी हाँ, उसका उसका लाश मिल गया है, वो पंचनामा चल रहा है। तब ये वीडियो हमको एक आखिरी वीडियो भेजा। आज फिर से हमारा झगड़ा हुआ करिश्मा दीदी से। तंग आ गए हैं हम उनकी रोज रोज की डायलॉगबाजी से, इसलिए जान दे के आज हम ये डंडा खत्म कर देंगे। मरने जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं बिल्ले, हम नहीं देख सकते ये वीडियो। तो मत देखो ना माँ। करिश्मा सिंह, आई एम सो सॉरी, ये बहुत ही दुख की बात है। हाँ मैडम सर, बहुत दुख का बात है ये, लेकिन भगवान को जो मंजूर। काश उसने हमारी बात सुन ली होती, ये चोर चक्का छोड़ दिया होता उसने तो आज हुआ सबके सामने। करिश्मा सिंह, देखिए हम समझते हैं कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। रवीना बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? देखिए अब जो हो गया वो तो हो गया, उसे कोई क्या कर सकता है। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? अरे यही है, अरे इसी ने लिए है ना हमारे पैसे। आप निकलवाइए हमारे पैसे। टचवुड,
अरे हमने नहीं लिए पैसे, टचवुड। यही कह रहे हैं ना, हमने नहीं लिए हैं, हमारी बहन रवीना ने। और रवीना तो अब इस दुनिया में नहीं रही ना। अरे ये झूठ बोल रही है मैडम, ये सारे पैसे इसी ने लिए हैं, ये सब इसकी चाल है, और इसकी कोई बहन वहन नहीं है मैडम। क्यों, तो फिर ये वीडियो? ये वीडियो में यही है मैडम, यही करिश्मा है और यही इसकी हम शक्ल बहन रवीना भी। मैडम ये सब झूठ बोल रही है, इतने भी बेवकूफ नहीं है हम, सब समझ में आता है हमें। ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने के पैतरे हैं मैडम, अपनी फर्जी बहन खड़ी करके अपनी सारी करतूतें उसके सर पे मंड करके कानून की गिरफ्त से खुद साफ निकल जाना चाहती है मैडम, ये सब झूठ बोल रही है। अरे ये क्या कह रही हैं आप दोनों, हमने खुद रवीना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, कल यहीं पर एक गोलगप्पे के ठेले के साथ रवीना ने एक्सीडेंट कर दिया था। नहीं हो रहा आपको यकीन? ठीक है, चीता चतुर्वेदी मार्केट में से विटनेसेस को बुलाइए। जी मैडम। वो करिश्मा मैडम की हमशक्ल बहन है, नाम उनका रवीना ना। ओए, हमने भी देखा है अपनी आंखों से, कोई शक? अब आप लोगों को हो गई तसल्ली? हो गई। अब भी तसल्ली अगर नहीं हो रही है तो हम आपको रवीना के आईडी कार्ड दिखाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। करिश्मा सिंह अपने आईडीज दीजिए प्लीज। आप चाहे तो इन आईडी से क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। देखा, हमने कहा था ना कि सब झूठ है, इनकी कोई हमशक्ल बहन वहाँ नहीं है। अब पकड़ी गई ना सारी धांधली। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ, ये देखिए इनकी सो कॉल्ड हमशक्ल बहन रवीना की आईडी, और ये देखिए करिश्मा सिंह की आईडी, दोनों की आईडी में 3 साल का अंतर। कैसे दो जुड़वा हमशक्ल बहनों में 3 साल का एज गैप कैसे हो सकता है मैडम? क्यों नहीं हो सकता, तुम और तुम्हारी बहन निधि में भी तो 4 साल का अंतर है ना, और तुम दोनों भी हमशक्ल हो, तो फिर ये कैसे हो गया? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। हम दोनों को माफ कर दीजिए मैडम, इसकी इस गलती में मैं भी बराबरी की भागीदार हूँ। अपनी बेटी की इच्छा और उसके उज्जवल भविष्य के लिए गलत और सही का फर्क मैं भूल गई, और जो भी रास्ता सामने आया उसे मैंने अपना लिया, लेकिन मैं ये भूल गई कि झूठ तो कागज की नाव है, वो ज्यादा दूर तक और ज्यादा देर तक नहीं चलती। मैडम शिवानी और निधि दोनों एक ही है। मैडम पुलिस ज्वाइनिंग की उम्र निकल गई थी मेरी, तो एजेंट को पैसे देकर मैंने नया आईडी कार्ड बनवा लिया, और उस आईडी कार्ड पे मैंने 10th के एग्जाम दिए, और इस तरह मेरा फिर से नया जन्म हुआ शिवानी के रूप में। और फिर उसी एजेंट विनोद ने, एजेंट विनोद, गजब छाट के नाम रखा है यार, एजेंट विनोद। एजेंट विनोद ने रिटर्न एग्जाम भी किसी और से दिलवा दिया शिवानी के लिए, और ये पड़ाव तो हम पार कर चुके। एजेंट का नाम क्या बताया आपने? विनोद। विनोद लॉकअप में होगा मैडम साहब। तजुर्बा कहता है हमारा कि इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर उसका तरीका गलत है तो फिर उस हासिल के कोई मायने नहीं होते। तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती हो, ये हमारे लिए कितनी फक्र की बात थी, और तुम पुलिस बनने से पहले ही चोर बन गई, चीटिंग करके तुमने एग्जाम पास किया, और तो और फर्जी आईडी भी बनवाई, तुम्हें पता है ना ये गैर कानूनी है। तुमने डिसअपॉइंट किया है शिवानी या निधि,
जो भी तुम्हारा नाम है। तुम देश की सेवा करना चाहती हो तो उसके और भी तो तरीके हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सब जब खत्म हो जाएगा तब तुम्हें सही तरीका अपने आप मिल जाएगा। जी मैडम। चीता चतुर्वेदी, उस ज्वेलरी वाले अमित को बुलाइए। उनसे कहिए उनकी जितनी भी ज्वेलरी चोरी हुई थी वो हमने जब्त कर ली। जी मैडम। करिश्मा सिंह, एजेंट विनोद, अभी लाते हैं उस टोप आदमी को। बहुत उत्पात मचा के रखा है ना तुमने। बहुत शौक है ना तुमको फर्जी पेपर पे फर्जी नौकरी दिलवाने का। अब तुम कानून का थर्ड डिग्री देखोगे, समझे तुम? बहुत गलत काम किया है तुमने, लंबा जाओगे तुम। अरे माफ कर दो मैडम, सारे रास्ते तो धुंधती आई हो, और कितना थर्ड डिग्री दोगी? गलती होगी और नहीं करेंगे, कसम उठवा लो हमसे। हाँ, नहीं हाँ, करेंगे। हाँ, हाँ। सरोज जी। हाँ। ये लीजिए आपकी ज्वेलरी। चिकरो चिकरो। अम्मा तुम बकोगे या फिर लगाए घुसंडे? अरे मैं क्या कह रही ना मैडम, देखिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ज्वेलरी हमें ही वापस दिलवा दी। तो ठीक है, आपको अपनी ज्वेलरी भी मिल गई है और इन दोनों को अपने किए का बहुत दिल से पछतावा भी है। लेकिन इस सबके बावजूद अगर आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं तो। अरे जाने दीजिए मैडम, देखिए पछतावा बड़ी बात है, हम नहीं करा रहे इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट विपोर्ट। लेकिन हाँ, सच को सामने लाने के लिए जिस अनोखे अंदाज से आपने और आपकी पूरी टीम ने ये काम किया है, हम दिल से आप सबको सम्मान देना चाहते हैं। थोड़ा धीरे चला लेते मैडम, अभी हम टेक ऑफ करने वाले थे। सस्ती एक्शन फिल्म दिखा रहे थे क्या इसको? मर मरा जाएंगे आप ये हीरोगिरी के चक्कर में, क्या ये सब? दे मैडम, सी ग्रेड आदमी से ए ग्रेड की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? कैरी ऑन। अरे हीरोगिरी अभी दिखाए कहाँ है, अगर हीरोगिरी दिखाए ना तो आंखें चौंधिया जाएगी आपकी। मैडम हमको लग रहा है इनके गाड़ी का फ्यूल उल खत्म हो गया, इसलिए हम लोग से मदद मांगने के लिए रुके हुए हैं। का सर, चलिए ना मैडम, आप चलिए छोड़िए हटिए। का फ्यूल वूल का बात कर रहा, मतलब का फिजूल का बात कर रहे हो भाई? हमें नहीं चाहिए पेट्रोल वेट्रोल। अबे भिखारी तो साफ साफ बताना तुझे क्या चाहिए। ऐसा आप कहते सर हमारे बारे में, अगर हम आपकी जगह होते तो। हमको जो चाहिए मुजरिम चाहिए। मैडम हमको तो लगता है ना पुष्पा जी की तरह इनका भी आँख खराब हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है का सर? ये तो जन्मजात धृतराष्ट्र है। नहीं आप का बोलने का कोशिश कर रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, कौन मुजरिम? हम समझाते हैं, बंद तो हम इसे करेंगे उब जेल में। मिस्टर चीता चतुर्वेदी, यू आर अंडर अरेस्ट। पीछे जरा पकड़े। खबरदार मिस्टर बुलबुल पांडे, अगर चीता को हाथ भी लगाया तो। अरे चीता नहीं है, ये चीटर है। ये चीटर है सर। अरे ये चीता नहीं है, चीटर है। और आज चीता चीटर जो है पिंजरे में बंद होने जा रहा है, इसके नाम का एफआईआर है हमारे पास। का? अपना ड्यूटी करने से रोकेंगे आप? उसका नतीजा जानती हैं।
चला चला गिरफ्तार करो। एक मिनट पकड़िए इसको। मैडम नहीं चीता, तुम पता नहीं कहाँ गड़बड़ हो गया है, हम पता करते हैं जब तक तुम जाओ। ठीक है मैडम। अरे रुको ना यार, यही खिलौना से हम भी खेलते हैं। आओ ना, आ जाओ बैठ। मिलते हैं मैडम।